रोमन रेंज से हारने के बाद अब डेनियल ब्रायन का फ्यूचर क्या होगा? सिजारो ने रोमन रेंज को दी है कौन सी धमकी? और जानेंगे रोमन के नए थीम म्यूजिक पर लोगों का रिएक्शन है कैसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, स्वागत है आपका WHG की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि स्मैकडाउन के बाद क्या कुछ हुआ। तो गाइस, होप करूंगा आप इस वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की न्यूज के साथ। तो गाइस, रोमन रेंस के नए थीम म्यूजिक के ऊपर लोगों के रिएक्शन आने चालू हो चुके हैं। आज स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों रोमन रेंस ने एक नए एंट्रेंस म्यूजिक के साथ अपनी एंट्री ली। यहां दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, रोमन रेंस का जो ये नया म्यूजिक है ये काफी कूल तो है ही, लेकिन इस पर लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। जहां ट्विटर पर दोस्तों कई लोग रोमन रेंस के नए थीम म्यूजिक की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ एक लोगों का मानना यह भी है कि रोमन रेंस का ओल्ड एंट्रेंस म्यूजिक जो था वो ज्यादा बेहतरीन था, जो शील्ड वाला जो उनका म्यूजिक था वो ज्यादा बेहतरीन था बजाय इसके। वेल, इसके बारे में दोस्तों मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो दोस्तों ये मुझे अच्छा तो लगा है, लेकिन ओल्ड म्यूजिक ज्यादा बेहतरीन था। हालांकि इनके कैरेक्टर को जो कि अभी वो निभा रहे हैं वो ज्यादा जस्टिफाई करता है। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट डाउन बिलो। हम चलते हैं इससे अगले अपडेट के ऊपर। तो इससे अगला अपडेट जो आज का हमारा जुड़ा हुआ है वह जुड़ा है दोस्तों हमारे अपने डेनियल ब्रायन से। तो डेनियल ब्रायन का फ्यूचर क्या होगा? रोमन रेंस से हार के बाद अब डेनियल ब्रायन किस ब्रांड में जाएंगे, चलिए बात कर लेते हैं। तो गाइस, डेनियल ब्रायन के ऊपर WWE लेजेंड यानी कि डच मेंटल, जो कि जैक स्वैगर के दोस्तों फॉर्मर आप कह सकते हैं एडवोकेट थे, उन्होंने ये चीज कही है कि डेनियल ब्रायन मंडे नाइट रॉ में जाने वाला है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए जान लेते हैं। तो जैसे ही दोस्तों रोमन रेंस से आज डेनियल ब्रायन अपना स्मैकडाउन वाला मैच हारे, डच मेंटल का कहना ये रहा कि बात है कुछ ऐसी, अब डेनियल ब्रायन मंडे नाइट रॉ में जाएगा और ये चीज भी हो सकती है कि वो NXT के अंदर एज ए पार्ट टाइमर जॉब करे, यानी कि NXT के अंदर भी वो फाइट दे सकता है। अब NXT का सिनारियो क्यों सामने आया है वो हल्का सा बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों आज जो जॉनी गार्गानो है उन्होंने आउटसाइड ऑफ WWE जो फाइट लड़े थे आज से कुछ साल पहले डेनियल के खिलाफ, वो वाली पिक्चर डाली है और ये चीज लिखी है इट्स बीन वाइल अगो। वेल दोस्तों, यहाँ पूरी बात की जाए तो डेनियल ब्रायन जो है वो रॉ के अंदर जाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों चांसेस इस बात के भी है कि वो NXT के अंदर इक्का दुक्का मैचेस हमें देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने इससे पहले ये चीज कह रखी थी एक इंटरव्यू में कि वो चाहेंगे कि वो NXT के लिए भी थोड़ा सा योगदान दे। तो यहाँ दोस्तों हम डेनियल ब्रायन को टाटा बाय बाय कहेंगे और चलेंगे दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस, सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है रोमन रेंस के रिएक्शन से। तो डेनियल ब्रायन को हारने के बाद या फिर कह लीजिए हराने के बाद रोमन रेंस का क्या रिएक्शन आया वो हमारे सामने आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज रोमन रेंस ने अपनी इंस्टा स्टोरी में दो क्लिप्स डाली है। पहली दोस्तों मैच से पहले डाली थी, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज कही थी कि डेनियल ब्रायन के जाने का समय आ चुका है, उसे हम पसंद तो करते हैं, उसे हम अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन बात है कुछ ऐसी कि उसकी अब जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वी डोंट लाइक हिम। यहाँ दोस्तों बात की जाए उसके बाद क्या हुआ, तो मैच में दोस्तों जब रोमन रेंस ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद रोमन रेंस ने अपने मैच की एक वीडियो फुटेज डाली है स्टोरी में, जिससे साफ होता है कि वो अपनी डोमिनेशन यहाँ दिखा रहे हैं। पर आज रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लगे हैं, काफ़ी बड़ी विक्ट्री प्राप्त की, और सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस मैच के अंदर उन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं लिए। सही मायने में वो ट्राइबल चीफ है कि नहीं बताएगा जो। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस, आफ्टर स्मैकडाउन क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं। तो स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद सिजारो जो है उन्होंने रोमन रेंस को धमकी दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सिजारो ने दोस्तों रोमन रेंस के हड्डियां तोड़ने का वादा किया है। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्मैकडाउन का अंत दोस्तों काफी कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर कह लीजिए दिल दहलाने वाले तरीके से हुआ, जहाँ रोमन रेंस ने डेनियल के सर पर चेयर फोड़ी, वो भी दोस्तों किसके सामने, हमारे अपने सिजारो के सामने। एज वी ऑल नो, पास में दोस्तों सिजारो ने डेनियल ब्रायन के साथ काफी ज्यादा वर्क किया, और दोस्तों उस वक्त अपडेट ये थी कि डेनियल ब्रायन चाहते हैं कि सिजारो को ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट मिले। आज दोस्तों स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद सिजारो ने क्या चीज लिखी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्तों, वो तस्वीर डाले हैं, वही वाली तस्वीर जो कि दोस्तों हमें देखने को मिली थी अंतिम क्षणों में, और नीचे वो चीज लिखे, देखो आज की जो नाइट थी वो अच्छी नहीं थी, ब्रायन जो है उसने मेरा बहुत बढ़िया साथ निभाया, बहुत ज्यादा हेल्प की, और मैं अब डेनियल ब्रायन को नेक्स्ट वीक लॉकर रूम में नहीं देख पाऊंगा,
और मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखना चाहता हूँ कि कब मेरे जो हाथ है रोमन रेंस के ऊपर पड़े। यहाँ दोस्तों उन्होंने ये चीज कही है, वहीं जर्मनी में दोस्तों उन्होंने कुछ लिखा है नीचे, इसका ट्रांसलेशन ये बताता है कि वो एक थ्रेट नहीं है, ये दोस्तों 100% डेफिनेट है और यही होने जा रहा है। दैट मीन्स दोस्तों वो कहीं ना कहीं पॉल हेमन को मिमिक कर रहे हैं और सेम डायलॉग जो कि पॉल हेमन मारते हैं कि इट्स नॉट अ प्रोडिक्शन इट्स अ स्पॉयलर, यही चीज कहनी है दोस्तों सिसारो की। सिसारो नेक्स्ट वीक दोस्तों रोमन रेंस पर धावा जरूर बोलेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंस को पीटने के काबिल है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।